शाह ने राणा प्रताप को इतनी दौलत दी जो उसने राजाई से नहीं। ये सब कलयुग में होता है या सतयुग का आखिरी चरण में होता है। जैसे सतयुग के आखिरी जन्म में प्रजा भी इतनी साहूकार बन जाती है, जो सतयुग के आठ में महाराजा को इतनी धन दौलत दे देती है, ऐसे ही कलयुग मध्यांत में प्रजा इतनी पावरफुल बन जाती है, साहूकार बन जाती है, जो महाराणा को भी मदद कर दी और उससे उसकी राजाई चली। शूटिंग तो सारी यहाँ ही होती है। जब ये हो सकता है कि सतयुग का आखिरी महाराजा किसी साहूकार प्रजावर्ग की आत्मा को राजा ही दे सकता है, तो कोई साहूकार ऐसा मददगार नहीं बन सकता? कैसे का कोई सवाल ही नहीं। अभी भी ऐसे ऐसे हैं ज्ञान में चलने वाले जो अपने राजा के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं, खुद राजा ही नहीं लेना चाहते, वफादार बन करके रहना पसंद करते हैं। हाँ बाबा, चंद्रमा को ग्रहण क्यों लगता है? चंद्रमा को ग्रहण इसलिए लगता है कि चंद्रमा परछाई में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है। ये धरणी को माता कहा जाता है, कन्या कहा जाता है। कन्याओं माताओं के प्रभाव में आने से चंद्रमा को ग्रहण लगता है। प्रभावित भगवान से होना चाहिए या कन्याओं माताओं से प्रभावित होना चाहिए? है भगवान से प्रभावित होना चाहिए, इसलिए ग्रहण लग जाता है। कर्ज लेना नहीं, कर्ज लेना नहीं। गवर्नमेंट अभी अनुदान दे रही है 2 लाख रुपए, वो अनुदान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं? तो नागरिकों को अपना अधिकार भी याद रखना है। आप अपने अधिकार से बाहर की बात तो नहीं करेंगे? बाहर की बात यह है कि आप जरूरत से ज्यादा कर्जा लेकर बैठ जाएं और फिर उसे चुकाएं ही नहीं। जो भी है, सरकार ने जो भी अनुदान दिया है वो एक नियमबद्ध अनुदान दिया है, तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि नियम में बंधते हुए जो भी सरकार से प्राप्ति है वो ले। ये कोई पाप नहीं है, ये कोई कर्जा नहीं है। हाँ, कोई अनुदान चुकाना भी पड़ता है, कोई खैरात में भी कोई को दिया जाता है। जैसे वृद्धावस्था की पेंशन है, विधवा पेंशन है, तो ये कर्जा है या लेना चाहिए? लेना चाहिए। और बाबा, राम ने सबरी के झूठे बोल खाए, उसका बेगत नहीं जाए। लक्ष्मण ने नहीं खाए और राम ने खाए, भगवान को सबसे प्यारी चीज क्या है?
लड्डू प्यारा है कि पेड़ा प्यारा है कि धन प्यारा है कि संपत्ति प्यारी है कि कपड़ा प्यारा है खाना पीना प्यारा है क्या प्यारा है? भगवान को प्यारा है प्यार, सच्चा प्यार नहीं मिलता भगवान को इस दुनिया में। क्या कोटों में कोई एक बच्चा है जो अपना पूरा पोता मिल देता है तो बाकी सब झूठे हैं या सच्चे हैं? सब झूठे हैं। जो एक सच्चा पोता मिल देने वाला है वो नारायण बनता है, जो नारायण बनता है उसी के तन में भगवान आते हैं। तो जिस तन के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होता है उसको संसार में सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो ये दिखाया है कि शबरी ने भावना कौन सी दिखाई? सच्चाई की भावना दिखाई। और बाबा राम वाली आत्मा 20 नवंबर 1969 में यज्ञ में आई, तो ब्रह्मा बाबा ने 18/1/1969 में शरीर छोड़ा, तो गीता खंड में ये महावाक्य आए हैं कि रुद्र याद करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है, इसका मीनिंग क्या है? यानी 20 नवंबर के बाद राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है, सिर्फ पोस्ट में पता है हमें, और 18/1 को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो राम वाली आत्मा को मालूम था बाबा ने प्रवेश किया है। जैसे शिव बाबा बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं, वैसे ब्रह्मा की आत्मा भी साकार शरीर से संपन्न स्टेज को प्राप्त कर चुकी, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गई। तो सूक्ष्म शरीरधारियों को पता चलता है या नहीं पता चलता है बहुत सी बातों का, जो स्थूल शरीरधारियों को पता नहीं चलता? मनसा की सूक्ष्म शरीर की शक्ति बढ़ जाती है या कम रहती है? बढ़ जाती है। तो वो भी बच्चों को इमर्ज करके बात कर सकते हैं। और क्या मतलब है? क्या हुआ? यमदूत कैलेंडर में लिखा हुआ है। जैसे यमराज का दिया जलाते हैं, दिवाली होती है ना, तो यमराज का दीपक जलाते हैं कि नहीं है? तो यमराज का दीपक पहला दीपक है या बाद वाले दीपकों में से है? ऐसे ही दूसरा नंबर आता है यम द्वितीया का, यम और यमनी वो बहन है, इसलिए यम द्वितीया कहा जाता है। देवदास देवर गांव देवर। अच्छा, ये तो संबंध है, कोई को जेठ कहा जाता है, कोई को देवर कहा जाता है, कोई तो किसी का देवर राजा बन गया होगा तो उसने गांव का नाम देवर रख दिया। गुरुदेव दत्ता है ना, उनके पीछे गाय दिखाते हैं, पीछे गाय दिखाते और चार दत्ता दत्तात्रेय गाय और चार कुत्ते दत्तात्रेय। उनका नाम ही है दत्ता माने दिया हुआ, और त्रेय माने तीन मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ। क्या
पहले तीन मूर्तियां हैं या पहले दत्तात्रेय है? तीन मूर्तियां पहले हैं। सब यज्ञ की ही तो बातें हैं। यज्ञ के आदि में पहले तीन मूर्तियां आई या दत्तात्रेय आया? तीन मूर्तियां आई, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और तीन मूर्तियों से दिया गया। किसका जन्म हुआ? अब वो दत्तात्रेय कौन है जिसने गुण ग्राहक के रूप में संसार में दिखाया गया है? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा ने गाय पाली, किसे पाला? गाय पाली, और गाय ही नहीं पाली, साथ साथ में कुत्ते भी पाल लिए। ये इस्लामी क्रिश्चियन आदि क्या हैं? ये सब कुत्ते हैं। है दत्तात्रेय के पास कुत्ते भी दिखा दिए और गाय भी दिखा। हाँ जी। और 2012 से 2017 तक का पीरियड फाइव ईयर प्लान का है। अच्छा, जैसे आगे में तो बेगर टू प्रिंस बना 12 से लेकर 17 तक। अच्छा, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ये फाइव ईयर प्लान का है। ये आपने बनाया क्या? ये जम्मू की वार्तालाप में है, वार्तालाप में बोला है बाबा। जम्मू के वार्तालाप में बोला? ये क्या बात हुई? क्या बोला जम्मू के वार्तालाप में? पूरा वाक्य बताओ। छिहत्तर 77 से लेकर के और 82 तक का जो प्लान है वो बेगर टू प्रिंस बनने का प्लान, फाइव ईयर प्लान है। वो फाइव ईयर प्लान में बेगर टू प्रिंस बना। ऐसे ही अभी फिर हूबहू रिपीटिशन होती है। तो वहां 76 से प्रत्यक्षता वर्ष शुरू होता है। तो बताया गया कि बाप प्रत्यक्ष हुआ तो बाप की गवर्नमेंट भी प्रत्यक्ष हुई। जैसे भारत की गवर्नमेंट प्रत्यक्ष हुई तो फाइव ईयर प्लान बनाया। ऐसे ही जो ईश्वरीय गवर्नमेंट प्रत्यक्ष होती है सन 76 से, सन 77 हुआ संपूर्णता वर्ष, तो सन 77 से लेकर ये फाइव ईयर प्लान शुरू होता है। तो वहां तो आधार बाप बना, या बारे में कौन बना है? वही तो पूछ रहे ना कि क्या होगा। ये तो आप पूछ रहे हैं। आदमी तो एक ही जगह रह के कंपिल में ही रहे ना बाबा, 82 से कंपिल में रहे। ये तो झूठी बात है। अच्छा, आधी आधी बातें आप झूठ बोलते जा रहे हैं। 76 से लेकर के 82-83 तक तो कंपिल में थे ही नहीं। 82 के बाद, हाँ, ईयर के बाद तो उस तो फाइव ईयर प्लान खत्म हो गया। तो इसके 17 के पास फाइव ईयर प्लान पूरा होता है तो मतलब क्या होगा? ये तो आप बता रहे हैं। वार्तालाप में, वार्तालाप में किसी ने सुना? इतने लोग बैठे हैं वो नहीं सुनते हैं? आप ही अकेले सुनते हैं मुरली? क्या आपको कुछ गलत फहमी हुई है? और धृत, धृत माने धारण कर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने गरीबों की, दुनिया वालों की धन संपत्ति को धर लिया, धर के बैठ गया, न्याय से धर के बैठ गया या अन्याय से धर के बैठ गया? आज की दुनिया में कोई अरबपति करोड़पति न्याय से बनता है या अन्याय से बनता है? अन्यायी है। उसको पता ही नहीं रहता कि ईश्वर इस सृष्टि पर आया हुआ है।
आंखों का अंधा है, वो पांडवों को भी नहीं पहचानता और पांडव पति को भी नहीं पहचानता, इसलिए अंधा कहा जाता है। ये टाटा बिरला क्या है, ये भगवान को पहचानते हैं क्या है? लेकिन गवर्नमेंट इनके इशारे पर चलती है, है? उन्हीं के इशारे पर चलती है। तो ये धृतराष्ट्र हैं और कौरव इनकी संतान हैं, जो शोरगुल करते रहते हैं। पैसा उनसे मिलता है टाटा बिरला से, पैसा मिलता है कि नहीं? पैसा उनसे मिलता रहता है और चिल्लाते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और दुनिया और ही नीचे गिरती जा रही है, महंगाई महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और रईस होते जा रहे हैं। हाँ। ये बाबा कहते हैं कि ये तप्त है, तो ये तप्त बना हुआ है तो इसमें एक आत्मा है, उत्तम तप्त है, तो ये आत्मा है तो वो आत्मा की रोशनी ये आंखों में से निकल रही है, तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करेंगे तो ये कर्म विनाश हो जाएंगे और तो मनुष्य से देवता बने। लेकिन आप कोई देहधारी को याद करता है, कोई संबंध को याद करता है, तो वो संबंध को याद करता है तो बाप का कहना पड़ा कि तुम आत्मा समझ के मुझे याद करो तो तुम्हारे भीतर में विनाश हो जाएंगे और तुम मनुष्य से दुखा बनोगे। और क्या क्या है? अरे अपनी बात कहने का तो अधिकार दे दो, प्रश्न न पूछ न सही प्रश्न हो गया। हाँ जी, और बाबा शिवाजी महाराज का पाठ है? है शिवाजी महाराज का पाठ किसका है? शिवाजी मार्ग। हाँ, शिवाजी महाराज का पाठ किसका है? आपका भी हो सकता है, आप महाराष्ट्रियन है ना? है महाराष्ट्रियन है ना? जिसको याद होगा, जिसको जिसका जिसका पार्ट होगा उसको याद आएगा। आपको शिवाजी याद आ रहे हैं तो आपका ही पार्ट होगा। शिवाजी राजे होके गए ना, तो उनका पार्ट किसका है? आपका ही हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपको ही याद आ रहा है। एक मिनट माता जी को पूछ लेना। हाँ, ब्रह्मा विष्णु तौरेशी जन्म लेते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु। अच्छा, इस दुनिया में तो शंकर का पार्ट है ही नहीं, ऐसा बोला। हाँ, शंकर शंकर है। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है या शरीर को आत्मा कहा जाता है? तो मन बुद्धि से वो ऊपर रहता है या इस दुनिया में रहता है? तो ऊपर जो रहता है उसका पार्ट कैसे होगा? जो इस दुनिया में रहता होगा उसका पार्ट होगा। पार्ट इस दुनिया में होता है या ऊपर होता है? है इस दुनिया में। और शंकर का जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? तीन आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती हैं, तब नाम पड़ता है शंकर। तो कोई एक आत्मा की बात है या तीन आत्माओं के सूक्ष्म स्टेज की बात है? तो शंकर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, शंकर तो सदैव निश्चय बुद्धि है। जैसे शिव को अनिश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, ऐसे ही शंकर को भी अनिश्चय बुद्धि नहीं करेंगे। भाईबीज के दिन जिस आत्मा शरीर छोड़ते हैं, भाईबीज के दिन दीपावली के बाद जो भाईबीज आते हैं,
तो 22 के दिन जो आत्मा ने शरीर छोड़ा तो ऐसा कहते हैं तो वो स्वर्ग में जाएगी। उस दिन यमराज उनकी बहन के घर पे जाते हैं। भ्रातृ द्वितीय भाई दूज, ऐसी मान्यता है होगी कोई भक्ति मार्ग में? माता जी बता रही है कि भ्रातृ द्वितीय के दिन जो शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो भाई दूज क्या दो ही संबंध हैं, भाई और बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। आखिरी समय में जिसकी बुद्धि में ये बात पक्की पक्की बैठ जाए कि हम आपस में क्या हैं, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, तो भ्रातृ द्वितीय हो गई। तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में ही जाएगा। हाँ जी भाई जी, एक थोड़ा 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 रुको। हाँ, राम राज्य भक्ति मार्ग में चाहते, जैसा कि गांधी जी ने भी राम राज्य का सोचा था, तो ये सतयुग 16 कला संपूर्ण वाला होते हुए भी ये राम राज्य क्यों, जो कम कला वाला है, ये क्यों चाहते? राम को आप ऊंचा समझते हैं या नारायण को ऊंचा समझते हैं? इसलिए ऊंचा है। तो फिर नारायण 16 कला संपूर्ण और राम 14 कला संपूर्ण। सतयुग को राम राज्य वो नहीं, सतयुग राम राज्य, राम राज्य सतयुग इसलिए कहते हैं कि उसकी शुरुआत संगम युग में राम के द्वारा होती है। सतयुग में राम का नाम बाला होगा या संगम में राम का नाम बाला होगा? भक्ति मार्ग में जब अंत समय होता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो दुनिया का अंत समय सतयुग में है या कलयुग के अंत में संगम युग में है? इसलिए राम का नाम का गायन है। और नवनाथ का मतलब है कि नौ धर्म है दुनिया में मुख्य, उन नौ धर्मों के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, कंट्रोलर हैं, वो नौ पूर्वज आत्माएं हैं, तो वो नौ नाथ कहे जाते हैं। सारी दुनिया को पब्लिक को नाथने वाले हैं, जैसे नाक में नकेल डाली जाती है ना बैल के, तो कहते हैं नाथ डाल दे, ऐसे ही ये नौ आत्माएं हैं विशेष, जिन्हें नवग्रह के रूप में पूजा जाता है। उनमें भी खास हैं अष्टदेव, उनके सहयोग से सारी दुनिया बांधी जाती है एक सूत्र में। तो जिस पहले सूत्र में दुनिया बंधती है वो आठ और नौ की माला है, माला संगठन को कहा जाता है। ये दुनिया का संगठन रूपी माला पहली माला है, इसलिए ये नौ नाथ गाए हुए हैं। और देहज में नासिक का अर्थ क्या है? देहज में नासिक का अर्थ क्या है? नास्तिक से बना नासिक। अड़ीस हजार वर्ष में पाप हुए है, अड़ीस हजार वर्ष में जो पाप हुए वो 50 वर्ष में भस्म कर सकते, प्रधान बन सकते हैं। ठीक है, 2500 वर्ष में जो भी पाप हुए हैं, 63 जन्मों में जो भी पाप हुए हैं, उन पापों को भस्म करके हम 50 वर्ष में संपन्न बन सकते हैं। कौन से 50 वर्ष? 76 से लेकर के और 2000 नहीं, 50 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। हाँ, न कि 18 आएगा, 26 आएगा। और बाबा हैदराबाद की मुरली में बोला है, राम वाली आत्मा दशरथ
दस आत्माओं से ज्ञान में आने के बाद पालना लेती है, है? लेकिन बाबा 69 में जब ज्ञान में आते हैं तो बाद में बाबा के दो विरोधी बन गए। कौन? वो आत्माएं। तो कम कैसे पालना? बाप विरोधी नहीं बनता क्या? बाप बच्चे का विरोधी नहीं बन सकता क्या? बन सकता है? ये क्या बड़ी बात हो गई? हाँ, जो 10 धर्म की 10 आत्माएं हैं, वो पहले पहले जो ज्ञान में निकली हुई हैं, वो बेसिक में, वो बेसिक वाली आत्माओं से भी आगे बढ़कर राम की आत्मा निकल जाती है। तो राम की आत्मा बेसिक से भी आगे बढ़कर के एडवांस में जाएगी तो विरोधी हो जाएंगे ना वो। हाँ, और पालना कर ली उन्होंने? हाँ जी, उससे पहले 69 से पहले, और बाद में तब तक जब तक कि संपन्न न बने, प्रत्यक्षता न हो। बाबा कृष्ण को जब मोर पंख लगाते हैं तो बलराम रोता है और डरता है। हाँ, क्योंकि बलराम सांप की औलाद है, सर्पों का संगठन है बलराम, और सर्पों को मोर खा जाता है तो डरेगा कि निर्भय होगा? डरेगा। बाबा हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के? हाँ, जो हाथी रूपी महारथी होते हैं, महावीर की बात नहीं बताई, किसकी बात बताई? हाथी रूपी जो महारथी होते हैं उनकी चाल निराली होती है, अंदर के चबाने के दांत और दिखाने के। गणेश को दिखाते ना हाथी का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गणेश का पाठ तो ब्रह्मा बाबा का। तो क्या हुआ उनके? हाँ, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है वो दिखावे का पुरुषार्थ किया है या अंदरूनी पुरुषार्थ किया है? दिखावे का पुरुषार्थ किया है? गणपति का वाहन उंगली से बताया है। गणपति का है? गणपति का वाहन चूहा इसलिए दिखाया है कि चूहा सारे घर को छेद छेद करके नीचे से पोला कर देता है, जिनको पोला कर देता है, और फिर बाद में पता चलता है अरे ये तो सारा घर गड्ढे में जाने वाला है। तो ऐसे ही गणपति है कौन? ब्रह्मा की सोल किस में प्रवेश करती है? राम वाली आत्मा में और सीता वाली आत्मा में, जगत पिता और जगदम्बा में, और वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सारे बेसिक के जितने भी हैं उन सब को पोला कर देती है। है नवरात्र साल में 2 बार मनाए जाते हैं क्या? हाँ, तो 2 बार जो मनाए जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि संगम युग में 2 बार देवियों की विशेष पूजा होती है, एक आधार मूर्त देवियों की पूजा बेसिक में और एक एडवांस में देवियों की पूजा बीज रूप आत्माओं में। तो सारा संगम युग में 2 बार वो देवियां प्रत्यक्ष होती हैं। एक बार तो प्रत्यक्ष हो गई, डूबीजा कर लिया कि नहीं कर लिया? अभी बीज रूप आत्माओं के अंदर भी ये प्रत्यक्षता होने वाली है क्या? लास्ट में जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तो जो भी देवियां हैं वो सब डूबीजा हो जाएंगी और भगवान बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। है माउंट आबू में ब्रह्म बाबा जाते हैं तो पहली लाइन कोई क्यों पूछते हैं? पहली लाइन वाले हाथ उठाकर पहली लाइन वाले बोलो, ऐसा क्यों पूछते हैं वहाँ? इसलिए पूछते हैं, जो नारद होते हैं, नारद होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि जब जहाँ स्वयंवर होता है तो आगे आगे जाके बैठ जाते हैं। तो बेसिक में आगे आगे कौन जाके बैठते हैं? जो समझते हैं हम नारायण का चेहरा वाले हैं वो आगे आगे जाके बैठ जाते हैं।
तो उन्हीं से पूछते हैं ऐसे बने हो। वकील दो बार भी दिक्कत है गाड़ी में प्रवेश का ब्रह्मा बाबा की, तो ये कैसा हो सकता है? दो बार झटका देती है दादी, ऐसा भी देखा है, कभी एक बार भी देखा है और कभी ऐसा है नहीं भी देती है, एकदम आगे खुल के फिर लुटकी देती है। आते हैं चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, कोई बंधन है क्या? बाराघाट की देवी ऊपर क्यों गई है? घर की देवी ऊपर क्यों गई? सब सबके देवी के ऊपर क्यों है? एक आदमी बोल रखो है सबसे ऊंची देवी घर के ऊपर, लेकिन घर के ऊपर सबसे ऊंचाई पर बलि की देवी सप्तशृंगी माता। कोई कोई देविया गढ़ मतलब पहाड़ी की ऊंचाई पे दिखाई जाती है। देवियों को पहाड़ की ऊंचाई पर दिखाया है। हाँ, तो उनको ऊंचा चढ़ाया है ना बाप ने आगे, तो बाप ने ऊंचा चढ़ाया तो ऊंची नहीं चढ़ेंगी, नंबर बार ऊंची जाती है। बाबा कहते हैं आत्मा 84 जन्म लेती है, जो आत्मा 84 जन्म लेती है वही सत्य सदयोग में जाके देवी देवता बनती है। इसका विशेष कारण ये वेद की बात ही तो है। आप खुद ही तो वेद की बात बता रहे हैं, हद की बात थोड़े ही है। और लक्ष्मी नारायण का ठेला बड़ा लंबा लंबा दिखाती है। हाँ, उनकी राजधानी लंबी चौड़ी होगी या छोटी होगी? लंबी चौड़ी राजधानी है तो पेशगीर लंबा चौड़ा दिखाते हैं। और बाबा वसुदेव और वासुदेव, जैसे ब्राह्मण और ब्रह्मा, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही वसुदेव उसका बच्चा वासुदेव। वसु कहते हैं धन संपत्ति, वसुदेव माने धन संपत्ति का दाता देवता। तो कौन सी धन संपत्ति का देवता है? ज्ञान धन का देवता है वसुदेव। वो वसुदेव है और उसका बच्चा वासुदेव भगवान को दिखाया है, जो भगवान का साकार रूप बनता है। निराकार आज की मुरली में क्या बताया? ज्ञान देने वाला निराकार है या साकार है? निराकार है ज्ञान दाता वसुदेव और उसका बच्चा वासुदेव, वो ज्ञान दाता नहीं है, वो साकार है। और अभी मन्नू चक्कर में फंस गए है, अभी मन्नू चक्कर में फंस गए और निकल नहीं सकते। अभी मन्नू चक्कर में फंस गए और निकल नहीं सकते। अब पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, अधूरा ज्ञान लेंगे तो चक्कर में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? ज्ञान पूरा उठाना चाहिए या अधूरा उठाना चाहिए? पूरा ही उठाना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, कॉलेज स्टूडेंट भड़क जाते, कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं बोले बोला, वो भड़क जाते हैं तो टीचर पे भी पथराव करते सब। क्या पथराव करते हैं ना अभी? अभी नहीं पथराव करते हैं क्या? शूटिंग हो रही है ना? ऐसा बोला है। हाँ तो ऐसा ही तो बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में ही तो ऐसा होता है कि यहाँ टीचर के ऊपर भी पथराव कर देते हैं, पत्थर मारते हैं। और बाबा शिवलीला व्रत में वो महानंदा का गायन है, महानंदा शिवलीला व्रत में 11वां अध्याय में कुक्कुट मरकट उन्होंने बांधे थे और वो लिंग दिया था शंकर ने उनको, तो वो जल गए जाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या हुआ? तो कुक्कुट मरकट कौन हुए? महानंदा का गायन। दुनिया में कथा कहानियां जाने कितनी कितनी है, उन सब कथा कहानियों को छोड़ो, मुरली में जो कथा कहानियां बाबा ने बोली है
उनको उठाओ। ऐसे तो शास्त्र में भूसा भरा हुआ है, टीवी में ढेर सारा देखते रहो और ढेर सारे प्रश्न पूछते रहो। शिवलीला हम लोग पढ़ते थे ना बाबा पहले। हाँ हाँ, जो भी शिवलीला है, जो भी रामलीला है, जो भी कृष्ण लीला है, ये बनाने वाले कौन है? भिखारी मनुष्य बनाने वाले हैं या भगवान ने बैठ बनाए हैं? हाँ, वो तो अपने अपनी विकृत बुद्धि के आधार पर कुछ भी बनाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई वो है जो बाबा ने मुरली में बोली है। और नासिक के 500 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है बाबा, नासिक में तो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर में, तो वहाँ पे जो मुख्य है वो लिंग वो नहीं है, उसके बदले 3 छोटे छोटे गड्ढे में 3 ऐसे ही लिंग है, बिल्कुल छोटे छोटे गड्ढे में। हाँ, वो क्यों लिंग तो गड्ढे में ही जाता है और कहाँ जाएगा? बाबा गरबा की अवस्था हो जाएगी, गरबा की अवस्था हो जाएगी तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो कैसे? जब हमारे जितने भी कर्म हैं 63 जन्म के किए हुए, उन 63 जन्म के किए हुए कर्मों से हम अतीत, अतीत माने पार, पार चले जाएंगे तो हम बुद्धि हमारी यहाँ रहेगी, फिर तो हम इस दुनिया के पार ही चले जाएंगे। हाँ, शिक्षण तो याद है कि जो दूसरे जन्म के साथ है, अकेले क्रिश्चियंस की बात नहीं है, जो भी इस्लामी है, जो भी पारसी है, जो भी जैनी है, या जो भी दूसरे धर्म वाले हैं, बौद्धी हैं, वो कभी दूसरे धर्मों के शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, वो अपने धर्म के पक्के रहते हैं। और देवी देवता सनातन धर्म वाले वो पक्के नहीं रहते, भटकते रहते हैं, भटकने का स्वभाव है। हाँ, विजय माला है वो ज्ञान के अंधे है और दूसरा माला है पवित्रता के लंगड़े है, तो अष्ट देवताओं में ऐसे भी आत्मा है जो पवित्रता में भी नंबर वन है और ज्ञान में भी नंबर वन है, तो ऐसा हो सकता है? नंबर वार है, एक जैसे नहीं है, उनमें भी जो पहला है वो पहला, उसमें भी थोड़ा अंतर है, स्लाइट अंतर है, किसके मुकाबले? सुप्रीम सोल के मुकाबले। हाँ, वो अंतर सबको दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि उनमें वो बात है नहीं, है ऐसे ही अष्ट देवियों में भी ऐसे ही है, वो भी एक जैसी अंधी नहीं है। और बाबा, देवी देवता धर्म वाले तो आखिर तक बाप के सहयोगी रहते हैं ना कोई? हाँ, आखिर तक बाप के सहयोगी रहते हैं ना कोई? नहीं, तो सिर्फ 8 ही हैं। 8 ही है, और 8 के जो फॉलोअर्स हैं वो भी नंबर वार है, वो भी नंबर वार है। हाँ जी, और वही जब और धर्म वाले तो ये कोई धर्म को उठाते नहीं है, कोई धर्म का किताब नहीं उठाते, लेकिन देवी देवता धर्म वाले और धर्म की किताब पढ़ते रहते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? इसी यही तो बात बताई कि जो भी देवता धर्म के जो पक्के हैं वो नंबर वार हैं। वो और धर्मों में सब में जा, क्योंकि भारत है मातृ प्रधान देश या पितृ प्रधान देश? कौन सा देश है भारत? मातृ प्रधान, तो माता सब बच्चों की तरफ जाती है, माता की बुद्धि, या सिर्फ बड़े बच्चे की, या मझले बच्चे, या छोटे बच्चे की तरफ जाती है? तो ऐसे यही अंतर है, भारत मातृ प्रधान। तो वो जितनी भी आत्मा है वो भी सब हर धर्म में आती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने बाप के साथ हर धर्म की जो राजा स्थापन होती है वो तो बाप ही देते हैं। देते हैं, लेकिन वो आखिरी जन्म में जाकर, जैसे 8
अष्टदेव हैं, तो आखिरी जन्म में जाके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हर धर्म की जब राजा ही देनी है तब नहीं, बाप को ही जाना होता है ना राजा देनी, उनको भी जाना पड़ता है, आठ को भी जाना पड़ता है, तो आठ को भी जाना होता है। हाँ जी, उसके साथ तो फिर और वो जो नंबरवार जो है देवी देवता धर्म वाले बच्चे भी तो बाप के साथ जाते, वो भी जाएंगे, जो भी उनके फॉलोअर्स होंगे सब उनके साथ होंगे। तो बाप भी जाते हैं ना, मतलब बाप भी जाते हैं, तो फिर बाप के साथ तो बच्चों को ये लगता है ना, क्या लगता है संग दोष। हाँ, वो धर्म में जब जाते हैं, वो दोष थोड़े ही है, दोष नहीं है, लेकिन वो धर्मों को तो उठाते हैं ना, वो दोष नहीं है, दोष नहीं है। हाँ, लेकिन फिर धर्म वाले और जो देवी देवता धर्म वाले होते हैं, हाँ, वो और धर्मों के शास्त्र उठाते हैं, तो वो अलग, वो गलत बात हो गई, वो उसी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये उसी जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, पक्के रहते हैं, कन्वर्ट होना ही नहीं है। हाँ, मोह लग जाता है, मोह लग जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध है, सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ जो है वो पोत्रा है, सिद्धार्थ पोत्रा है, अरे वो अपना काम करेगी, तुम तो सुनो, सिद्धार्थ पोत्रा है, किसका पुत्र है, बिंबसार का, और बिंबसार का पुत्र है सिद्धोधन, तो सिद्धोधन और बिंबसार इनकी बुद्धि जो है वो खिंचती तो है सिद्धार्थ की तरफ, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से में बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया, सारी दुनिया में शोहरत हो गई, तो वो शोहरत होने की वजह से वो शोहरत उनकी आत्मा को खींचता है कि मेरा बच्चा कितना महान बन गया, मैंने भले उसको फॉलो नहीं किया, कोई सहयोग नहीं दिया, तो भी मेरा बच्चा मेरे से भी संसार में ज्यादा रोशन हो गया, तो लगाव तो जाएगा ना, वो जो लगाव जाता है वो लगाव ही अगले दो चार जन्म के बाद वहाँ जन्म दे देता है, जन्म देता है, उसको कोई दोष नहीं कहेंगे, दोष तब कहेंगे जब उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये मोह की वजह से, मोह की वजह से उठते हैं। हाँ जी बाबा, हाँ सोना माना सच्चाई, हाँ सोने की चिड़िया कहते हैं, हाँ की लंका को भी सोने की लंका, हाँ बिल्कुल, हनुमान ने विनाश कैसे जगह कैसे दी, सोना सच्चाई को विनाश, हाँ वो रावण की लंका थी ना, इसलिए जला दी, सोने की तो थी, लेकिन रावण की दुनिया में सोना भी जो है उसमें 24 कैरेट बनाते हैं या मिक्स करके बनाते हैं, तो रावण आज रावण की दुनिया है, लंका है या अयोध्या है, लंका है, और उसको श्रीलंका क्यों कहते हैं बाबा, श्री लगाते हैं उसमें, जैसे कहते हैं कुत्तों में श्रेष्ठ गधेड़ों में श्रेष्ठ, गधेड़ों का राजा होगा तो गधेड़ों में श्रेष्ठ हुआ कि नहीं, तो वो श्रेष्ठ ही कहा जाए, लेकिन गधेड़ों का श्रेष्ठ है, और पढ़ाई पूरी हो जाती है तो है, एक एक मिनट, हाँ दंडकारण्य जो है वो राम के राज्य में होता है या रावण के राज्य, क्या चीज होता है दंडकारण्य जो बताया है, रावण के राज्य में होता है या राम के राज्य में, दंड हमेशा रावण के राज्य में होता है, जहाँ राम का राज्य होगा तो राम दिलों के ऊपर राज्य करेगा या शरीर को दंड देगा। फिर दूसरी बात ऐसी आती कि जब दंडकारण्य रावण के कब्जे में किया है, उसका उसके अंडर में है, तो राम दंडकारण्य राज्य में गए, वहाँ पे सीता सहित हो रहे, तो इसका मतलब और वहाँ पे कुछ और भी साधु संत जो सन्यासी या ऋषि मुनि थे वो भी उनका यज्ञ वगैरह वो करने लगे, माना ये राम रावण राज्य में जाकर अतिक्रमण नहीं हो सकता क्या राम राज्य का, बिना अतिक्रमण किए तो राज्य जीता ही नहीं जाता है, जब तक अतिक्रमण न किया जाए कोई भी राज्य नहीं जीता जा सकता, माया का राज्य भी तभी जीता जा सकता है
जबकि माया के राज्य में अतिक्रमण किया जाए। भगवान शिव को भी रावण के राज्य में आना पड़ता है या राम राज्य में आना पड़ता है? बिना अतिक्रमण किए तो जीत होगी नहीं। नहीं, ये युद्ध जो हुआ रावण में, तो ये युद्ध का कारण जो बताते हैं भक्ति मार्ग के, ये रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, ये शूर्पणखा उसका रावण का राज्य होने से, दंडकारण्य राज्य होने से घूमती थी। हाँ, तो उसने राम और लक्ष्मण सीता को देखा, वहाँ पे वो गई, लेकिन राम उसको खाया, तो वो राम को कहने लगे कि मेरे से शादी करो। वो ईमानदारी से कहती थी? ना, ईमानदारी से नहीं कहती थी। ईमानदारी से कहाँ कहती थी? रूप बदलने का कई उदाहरण तो नहीं। और जब रावण उस वक्त, रावण विदेशी परंपरा वाला है या स्वदेशी परंपरा वाला है? जो विदेशी परंपरा की लड़कियां होती हैं वो अकेली नाक उठाए इधर उधर घूमती हैं, या स्वदेशी परंपरा की नाक उठा के घूमती हैं? कौन घूमती हैं अकेली? भाई के राज्य में घूमी। हाँ हाँ, भले राज्य है तो भी स्त्री चोले की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इसलिए नाक कान काटना ही अच्छा है। हाँ, ये जिसका मुरली से प्यार, उसका मुरलीधर से प्यार। क्या बात कही। हाँ, सही बात। क्यों हंस रहे भाई? हाँ, तो आज के मुरलीधर का बाबा ने टाइटल दिया है, वहाँ के पावन बना दे, रावण आके पतित बना दे। हाँ, तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? इसका बेहद का अर्थ क्लियर है। राम बाप आते हैं। आते हैं का मतलब राम तो बिंदु है। राम असली जो राम है वो क्या है? बिंदु है। उनके आने जाने की बात है या याद करने की बात है? तो राम बाप को जब हम याद करते हैं तो उस समय हम पावन है या पतित हैं? है? उस समय हम राम आ गया ना याद, उस समय हमारी इंद्रियों में भी पावन पने की शक्ति आ जाती है। इसलिए राम बाप के आने से ही हम पावन बन जाते हैं। और रावण जब आता है, माने देवान जब आता है, तो देवान आने से इंद्रियां जोर मारती हैं। जोर मारने वाली इंद्रियां दुख देंगी या सुख देंगी? अपने को भी दुख देती हैं और जिसका संग होता है उसको भी दुख महसूस होता है। इसलिए रावण आते हैं माने उस निराकार की जब विस्मृति हो जाती है तब हमको दुख होता है, पतितपना आता है, हमारी आत्मा नीचे गिरती है, मिट्टी में चली जाती है। मिट्टी माने देह, देह अभिमानी बन जाते हैं। उसको कहते हैं रावण के आने से हम पतित बनते हैं और राम के आने से पावन बनते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा भी है महाभारत, जो कृष्ण कभी रोया नहीं है, पर जब अभिमन्यु की मौत होती है चक्रव्यूह में तो उसको रोते हुए दिखा है। बाकी कृष्ण स्थित प्रज्ञ है, वो कभी रोता नहीं है। स्थित प्रज्ञ है, वो कभी रोता नहीं दिखा है। पर ये कृष्ण की बात है या शिव की बात है? भूल गए थोड़ा। जो भी शास्त्रों में बातें आई हैं, भागवत में, महाभारत में, वो कृष्ण की बातें हैं या शिव की बातें हैं? वो कथा कहानी किसकी है? शिव की है। कृष्ण का नाम, इसलिए पूछने में गलती हो रही है। और बाबा, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, ऐसी याद करनी चाहिए। क्या? शिवम भूत्वा शिवम यजेत। क्या हुआ? शिव बनकर शिव को याद करना है। हाँ,
बिंदु बन करके, बिंदु अपनी आत्मा को समझ करके निराकार बिंदु को याद करो। हाँ शिवम, हाँ ये भक्ति मार्ग में और एक प्रश्न उठाया जाता है कि राम ने जो बलि का वध किया वो अन्याय से हुआ। बलि बलि नहीं, बाली। हाँ बाली का जो वध किया हाँ अन्याय से हुआ। हाँ क्योंकि अर्थात वो बताते, एक दूसरी बात ऐसी बताते कि ये तो अपने को मालूम है कि वाली ने उसकी पत्नी सुग्रीव की पत्नी बगाई करके राम ने वो अन्याय करके उसको मारा, वाली को मारा। लेकिन भक्ति वालों का ये कहना है कि पहले वाली ने सुग्रीव की पत्नी छीन ली थी, इसका क्या ये अन्याय नहीं हुआ क्या? वो वाली ने अन्याय किया ना पहले, सुग्रीव ने भी उसकी पत्नी भगाई थी वाली। नहीं ऐसा कहा गया है, यानी भक्ति मार्ग में कहीं तो ऐसा। अब पहले फैसला कर लो सही बात क्या है। अब दो बातें हो गई, ऐसा ये सच है क्या? ये कैसा है ये? नहीं है बाबा, वाली नहीं, वो उसी ने सचमुच उसकी जो पत्नी क्या है, सुग्रीव ने भी उसकी पत्नी पहले बगाई थी। गलत है, नहीं सीधी सी बात ये है, भगवान का कहना है कि सारी दुनिया से भले द्रोह करे, दुश्मनी करे, सारी दुनिया की हत्या कर दे, लेकिन मेरे से प्यार करे तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ये गीता में श्लोक आया है, इसलिए सब पाप माफ अगर अगर भगवान से सच्चा प्यार है तो। सुग्रीव ने सब पाप किया लेकिन बाबा से है, सुग्रीव ने माना हाँ पाप किया लेकिन चलो मान लिया, हाँ। मान लिया कि हाँ किया भी होगा, किया लेकिन बाप से पाप, बाप से प्यार किया तो उसको सहयोग दिया, सहयोग मिलेगा। हाँ पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनवी, तो भारत का तीव्र गति से पतन हुआ, इसका शूटिंग कलयुग के अंत में हुआ, ऐसे कहा? नहीं, ये शूटिंग कलयुग अंत की नहीं है, नहीं कलयुग आरंभ की बात है। जब कलयुग शुरू हुआ, पाप का युग शुरू हुआ, तो पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, उसके बाद भारत के ऊपर बड़ा आक्रमण मोहम्मद गजनवी का हुआ। बाबा आठ नौ में आर्य समाज की आत्मा ने बाबा पर हमला किया ना, 98। हाँ बाबा, हाँ मुरली ने आया है, पहला प्रश्न बाकी है वही पूछ रहे थे। हो गया हो गया, ये तो आक्रमण तो होते ही रहे हैं, कलयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक आक्रमण होते रहे। आखिरी आक्रमण तो अंग्रेजों का हुआ है ना, शूटिंग पीरियड में आखिरी आक्रमण अंग्रेजों का हुआ ना, अभी शुरू में मोहम्मद कासिम का, मोहम्मद गजनवी का, ये जब ये सोमनाथ मंदिर के आक्रमण हुआ तो शूटिंग पीरियड में कैसा हुआ? सोमनाथ मंदिर को उजड़ गया, शूटिंग पीरियड में। हाँ शूटिंग पीरियड में ही तो, शूटिंग पीरियड में उजड़ गया, आदि में बना और अंत में उजड़ गया। पच्चीस बारह सबकी मुरली में बोला है, अंत में विदेशों में बहुत शक्ति होगी, विदेश में बहुत शक्ति होगी। हाँ जी, बाहर से निकलने नहीं देंगे, बैंकों में जो पैसा है वो भी निकालने नहीं देंगे, ठीक है, 10,000 लाख देंगे तो भी टिकट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या अभी पैसा नहीं डाल रहे हैं विदेशों में? हाँ दक्षिण भारत को विदेश बोला है, तो दक्षिण भारत में जो भी जा रहा है वो सब वापस आएगा, क्योंकि समंदर सा दक्षिण भारत डूबेगा या बचेगा? डूब जाएगा तो क्या वापस आएगा? हाँ दक्षिण भारत के लिए थोड़ा ही है।
फिर नैया सामान्य नहीं, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली यह वाक्य तो योगी ने माँ के लिए बोला है क्या? नहीं, नैया वो है जिसके बारे में सबके अंदर ख्याल चल रहा है कि वो तो डूब गई, खलास हो गई। योगिनी कोई डूब नहीं गई है, डूबने वालों को भी उभारने वाली है। और पब्लिक की सुविधा के लिए, सुख शांति के लिए सरकार पैसे देती है, है? पब्लिक की सुख शांति के लिए, सुविधा के लिए सरकार पैसे देती है, पानी की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, लेकिन बीच वाले खा जाते हैं। जब वो वोटिंग देने का समय आते हैं, फिर पब्लिक उससे मांगती है, तो इसमें में क्या राज है? पब्लिक उनसे भी पैसे मांगती है, वोट देने का, वोटिंग करने के लिए। सरकार पैसा देती है उत्थान के लिए, जिनको देती है वो वहाँ, वो जो खाने वाले होते हैं वो अधिकारी होते हैं या प्रजावर्ग के लोग होते हैं? अधिकारी लोग खा जाते हैं। हाँ तो बोलो, वोटिंग के समय फिर उनके पास से पैसे लेते हैं, वोटिंग के समय। हाँ तो ये वोटिंग के समय किससे पैसा? सरकार के अधिकारी थोड़े पैसा देते हैं, अधिकारी कभी पैसे वापस नहीं देते। राजनेता भी तो खाते हैं अधिकारियों से। अधिकारियों से राजनेता खाते? हाँ, वो राजनेता जो है वो बीच में अपना परसेंटेज लगा लेते हैं, लगाते हैं। तो फिर वही जब राजनेता इलेक्शन में खड़े रहते हैं चुनाव के लिए, वो बदल भी तो जाते हैं, कोई वही थोड़े ही होते हैं हमेशा। हाँ बदल भी जाते हैं, लेकिन उनसे फिर पब्लिक पैसा मांगती है ना। पब्लिक के पास है ही नहीं मांगे, मांगती सब लोग थोड़ी मांगते। पब्लिक है बहुत, ढेर की ढेर पब्लिक है, ढेर की ढेर। नेता जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो बांटते हैं ना। ये सब बंदर बुद्धि वाली बातें हो गई, इनको छोड़ो, इनमें कुछ नहीं दे रहा है। ज्ञान कब तक कोई राज नहीं कहता। आपका प्रश्न ही अपनी जगह फिट नहीं है। प्रजा है ढेर की ढेर, मांगने वाले हैं बहुत थोड़े। उन प्रजा वर्ग को तो इंटरेस्ट भी नहीं है आजकल वोटिंग में। 70% प्रजा वोट भी नहीं डालने जाती है कहीं कहीं। तो फिर वोटिंग आगे नहीं। हाँ बोला है सांस्कृतिक अवस्था होती है तो ऊपर बुला लेता है। अरे सुनो, जिस आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाती है शिव बाबा ऊपर बुला लेता है। शिव बाबा नहीं बुलाता है, मैं उसको ऊपर बुला लेता हूँ, ऐसा बाबा ने बोला है। बुला नहीं लेता है, ऑटोमेटिक वो आत्मा ऊपर चढ़ती है। हाँ जी, हल्कापन आने के कारण पापों का बोझा खत्म हो गया, तो जो हल्कापन है वो हमेशा ऊपर जाता है, बोझा है तो नीचे आता है। और मार्ग में कहते काशी में जाने से सब पाप भस्म हो जाते हैं, तो जाओ। और हाँ पाप का कल्याणकारी है। हाँ फिर ये कैसे बोलते हैं कि पाप में पाप बढ़ाने के लिए मैं आया? पाप में पाप बढ़ाने के लिए इसलिए आया हुआ हूँ कि जब तक पापों की अति नहीं होगी तो अति का अंत होगा क्या? तो अति कौन करेगा? अति पावरफुल करेगा या जो कमजोर होगा वो अति करेगा? तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? खुद बाबा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो ही अति कर सकता है, दूसरे कोई अति करने की ताकत ही नहीं है।